शाबिर आजमी के सबसे एक्सपीरियंस बॉलर महाप्रयास, जिन्होंने 3 विकेट हासिल किए 11 रन। मैं बाबर आजम की कप्तानी की तारीफ करना चाहूंगा, जिस तरह उन्होंने अपने बॉलर्स को यूटिलाइज किया, अपने फास्ट बॉलिंग को, जैसे वहाब है अब मेन बॉलर के लिए रखा, क्योंकि अगर अंडर प्रेशर अगर कोई भी यंगस्टर आएगा तो आखिरी ओवर में ज्यादा रन लीक कर सकता है, तो उन्होंने अपने उस बॉलर को जिसको वो उनका प्राइम बॉलर, उसको हर मुश्किल स्टेज दी। और उतनी ही तारीफ की जाए वहाब की भी कि उन्होंने हर मुश्किल स्टेज के अंदर, यही आप एक्सपेक्ट करते हैं अपने सबसे बेहतरीन बॉलर से। लास्ट ओवर ऑन साइड पे, लेकिन उनके सामने इफ्तिखार है जो नहीं रोक पा रहे हैं, एक और लो फुल टॉस जिसे खेल दिया है ऑन साइड पे स्क्वायर लेग बाउंड्री की जाने 6 रन के लिए। बहुत ही शानदार शॉट, पिकअप शॉट था, एक ऐसा बॉल जो आप वहाब से एक्सपेक्ट नहीं करते कि फुल टॉस लेग स्टंप के ऊपर वहां से और 150 रन यहाँ पे ग्लेडिएटर्स ने मुकम्मल कर रही है। इफ्तिखार पहुंच गए 64 रन पर। आखिरी 5 बॉल है, वहाब रियाज एक बार फिर बॉल हवा में, बॉल गैप में, बॉल और 6। बहुत ही शानदार शॉट, और यही वो चीज़ हमें चाहिए थी इफ्तिखार से कि एक फिनिशिंग टच दें, अपनी एबिलिटी, हार्ड हिटिंग एबिलिटी को सामने लेके आए, और स्टेज उन्होंने अपने लिए सेट की। और अब आप देखें कि पिछले 2-3 ओवर में इफ्तिखार शानदार क्रिकेट खेल रहे हैं और छक्के पे छक्का मार रहे हैं। इफ्तिखार अनस्टॉपेबल हो गए हैं जिस तरीके से हिट मार रहे हैं, थोड़ा उनको हेल्प भी मिल रही है खराब बॉलिंग की, लो फुल टॉसेज, उनको लेंथ शानदार मिल रही है जो उनके जोन में बॉल आ रहा है, और ऑन साइड पे वो बहुत स्ट्रांग है जिस तरीके से वो हिट मारते हैं, और बहुत तगड़े हैं, बहुत स्ट्रांग बॉटम हैंड का यूज करते हैं, और यहाँ पे काम आते हुए अपनी टीम के, और अपनी टीम को वो जो हमारी प्रिडिक्शन थी कि 170 इस पिच पे होना चाहिए वहाँ पे ले आए हैं वो। एक बार फिर वहाब रियाज बॉल करेंगे इफ्तिखार को, बॉल हवा में है, लेकिन एक बार फिर एक और छक्का, 3रा छक्का, ये हैट्रिक इसको कहते हैं, और बहुत ही बेहतरीन शॉट, और डिफरेंट रेंज है, एक जो है बिहाइंड द स्क्वायर लेग, एक इन फ्रंट ऑफ मिड विकेट, और 3रा शॉट सामने मिड ऑफ के ऊपर, तो जितनी तारीफ की जाए उनकी शॉर्ट रेंज की वो कम है। और ये इफ्तिखार का ये ज़बरदस्त बैटिंग है, और ऐसी ही बैटिंग की एक्सपेक्टेशन थी, यहाँ पे क्राउड को उन्होंने बेहद यहाँ पे एंटरटेन कर रहे हैं अपनी हिटिंग से, 76 रन पर पहुँच गए, और एक टाइम पे हमें लग रहा था देखो वहाब की बॉलिंग को स्पॉइल भी कर रहे हैं, एंगल चेंज किया राउंड द विकेट आया, लेकिन इफ्तिखार नहीं रुक पा रहे हैं, इस बार ऑफसाइड पॉइंट के ऊपर से अंपायर का डिसीजन देखना होगा। 6 रन, 4th छक्का इफ्तिखार के नाम। ये स्पेशल इनिंग्स है इफ्तिखार की, उसको हम सोच रहे थे कि 170 पिच पे होना चाहिए, 170-180, और अगर वो यहाँ पे मजीद अपने 2 बॉलों पे 2 छक्के लगा दें और 6 छक्के हमें देखने को मिले, तो मैं तो इसको बस देखना चाह रहा हूँ कि वो 2 छक्के भी लग जाएं, जहाँ पे 4 लग गए वहाँ पे 2 भी लग गए। वहाब रियाज का पसंद नहीं आएगा क्योंकि अच्छी बॉलिंग की थी इससे पहले, सारे इनके फिगर स्पॉइल हो गए, और अब बचना होगा इफ्तिखार से। एक बार फिर पॉइंट के ऊपर से, जी हाँ, एक बार फिर एक और छक्का इफ्तिखार के नाम रहेगा, 5 पे 5। I'm loving it. इफ्तिखार की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, कि उन्होंने हम सबको एंटरटेन किया, जो लोग इस वक्त टीवी पे देख रहे हैं वो भी इनकी एबिलिटी, हार्ड हिटिंग एबिलिटी को बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहे होंगे। 5 consecutive छक्के इफ्तिखार के नाम, ऐसा कभी नहीं सोचा होगा वहाब रियाज ने कि ऐसा ट्रीटमेंट मिलेगा फिर साहब। 3 मिनट पहले मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन इन 2-3 मिनटों में इफ्तिखार ने अपने आप को साबित किया कि वो पाकिस्तान के बेहतरीन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। आखिरी बॉल, क्या 6 छक्के लगा सकेंगे? मैं चाहता हूँ 6 छक्के लग जाए। आई एम सॉरी वहाब, 88 रन पर इफ्तिखार, आखिरी बॉल करेंगे वहाब, एक और हवा में बॉल, और 6 छक्के। इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, और बहुत ही मजा। लेकिन क्या बात है इफ्तिखार अहमद की, जिस तरीके से उन्होंने ये मैच फिनिश किया, ये नहीं सोचा था कि 6 छक्के वहाब रियाज को लग जाएंगे। मुझे हार के लिए तालियां मारनी चाहिए, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जाए इफ्ती मैंने आज प्रूफ करते हुए कि क्यों वो पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन मिडिल ऑर्डर बैटर है, कि जो रुक के मौका मिले, इस तरीके की बॉलिंग मिले, और आप देखें कि शाहिद अफरीदी उनको कंग्रेचुलेट करने जा रहे हैं, ये ऐसी चीजें देखने को और ज्यादा मजा आता है। जी आप देख सकते हैं जिस तरीके से 6 छक्के मारे हैं, जैसे आपने पहले कहा कि जोन बहुत शानदार है, 6 different angles यूज किए इफ्तिखार ने, और पावरफुल 6 रन हासिल किए। बहुत खुश होंगे, और क्वेटा का क्राउड बहुत ज्यादा खुश होगा। जी हाँ बिल्कुल, एंटरटेन हुए हैं जिस तरीके से इफ्तिखार ने ये बैटिंग फिनिश किया है, क्योंकि आवाज में हमें लग रहा था कि शायद क्वेटा ग्लेडिएटर्स थोड़ा स्ट्रगल